सभी को नमस्कार। आज ऐसा भाग्यशाली परिवार ही कोई न कोई होगा जिसके घर में किसी भी व्यक्ति के स्किन प्रॉब्लम की शिकायत ना हो, चर्म रोग का किसी प्रकार की शिकायत ना हो। हकीकत में ये जो स्किन की प्रॉब्लम होती है, होती क्यों है? अगर इसकी उत्पत्ति, इसकी जड़ में जाकर जानकारी, इनके कारणों का पता लग जाता है तो उसका समाधान में बहुत बेहतरीन रास्ता मिल जाता है, तथा साथ ही भविष्य में स्किन की प्रॉब्लम परिवार में किसी के ना हो, उसका स्थायी समाधान हो जाता है। वो आज बेहतरीन चर्चा यहाँ होने वाली है। साथ में आपको ये पूरी पूरी जानकारी अत्यंत साधारण है, आसानी के अंदर आप घर पे इसका समाधान कर सकते हो। हजारों दवाइयों का हजारों रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बार बार दवाएं ले लेके परेशान हो जाते हो, दवाएं बंद होती है तो ये स्किन प्रॉब्लम वापस शुरू हो जाती है। ये स्किन की डिजीज खतरनाक होती है, जब होती है तो बढ़ती रहती है, कुछ समय रुक जाती है फिर वापस शुरू हो जाती है। तो मैं आज आपको रामबाण स्थायी रूप से जड़ मूल से, क्योंकि इसकी उत्पत्ति के कारणों का आज मैं इसकी परिचर्चा करने वाला हूँ। उन कारणों को आप जान लोगे तो वो सारे कारणों का स्थायी समाधान आप ढूंढ लोगे, तो ढूंढने के कारण कभी भी जीवन में आपके दाद खाद खुजली की शिकायत जिंदगी में नहीं होगी। ये दाद खाद खुजली होगी नहीं, और अगर आप ये बताए गए टिप्स का अगर उपयोग कर लेते हैं तो ये आपके परिवार को छू तक नहीं सकती, इतनी बेहतरीन जानकारी है। इस क्यों ना आप अपने हाथ से इस दाद खाद खुजली की दवा बना लीजिए, घर पे बना लीजिए और इसका उपयोग कर लीजिए, और जड़ मूल से इनको स्थायी रूप से छुट्टी दिला दीजिए आपके परिवार से, आपके घर के किसी भी सदस्य के। ऐसे ही नित्य नई बेहतरीन जानकारी के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आप भी हमारे फैमिली बन जाइए। हकीकत में त्वचा के जो रोग है, स्किन की जो बीमारी है, वो कई कारणों से होती है, लेकिन उसमें से मुख्य एक कारण जो है वो है लीवर के अंदर गड़बड़ी होना, लीवर के अंदर गर्मी बढ़ जाना, शरीर के अंदर टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाना, हानिकारक तत्व है उसकी मात्रा बढ़ जाना, साथ ही कई बार किडनी जो वेस्ट मटेरियल को फिल्टर प्रॉपर नहीं कर पाती है तो वो जो हानिकारक तत्व अंदर रह जाते हैं उसके इसके कारण खून खराबी भी हो जाती है। और खून वैसे खराबी के कई कारण और भी है, तो खून खराबी जब होती है तो जो हानिकारक टॉक्सिन्स है वो सारे सारे खून के अंदर चलते रहते हैं। जहां वो रुक जाते हैं और दोस्त है शरीर के अंदर कोई किसी भी प्रकार का दोष है तो वो जो विकृति है, वो जो हानिकारक टॉक्सिन्स है वो निकलेंगे ही निकलेंगे, कुदरती मार्ग से निकल जाते हैं, मल मार्ग से, मूत्र मार्ग से या पसीने के रूप में निकल जाते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन बात है। अगर इनसे नहीं निकल पाते हैं तो वो सारे सारे वहाँ खून के अंदर जमा हो जाते हैं, रुक जाते हैं। जहाँ रुक जाते हैं वहाँ स्किन की प्रॉब्लम उत्पन्न होने लग जाती है, इसको स्किन की प्रॉब्लम आप कह सकते हो। और फिर जब ये बाहर उसका उपचार नहीं किया जाता है तो ये विकरालता लेके आ जाता है। ये जो दाद खाद खुजली की जो या और किसी भी प्रकार का चर्म विकार है, आप लगाने वाली कोई भी ट्यूब लगा दो, इंप्लांट लगा दो, मलम लगा दो, ये बाहरी तौर पर आप लेपन का काम कुछ भी कर दो, स्थायी समाधान होने वाला नहीं है। स्थायी समाधान तो आपको मिल जाएगा, स्थायी समाधान तो जब तक आपके शरीर के अंदर खून की शुद्धि नहीं होगी, टॉक्सिन्स जो है हानिकारक वो बाहर नहीं निकल जाते, जब तक ये दोनों काम नहीं होंगे तब तक आप मान के चलिए कि वो जो आपकी ये जो बीमारी है दाद खाद खुजली की या चर्म विकार की, ये पुनः कुछ समय बाद वापस शुरू हो जाती है। ऐसी सारी वो वस्तुएं बंद कर दीजिए जिसका आप सेवन कर रहे हो और जिससे आपका लीवर और ज्यादा खराब हो जाए, जैसे बासी भोजन है, डब्बा बंद भोजन है, तली जली वस्तुएं हैं, खट्टी वस्तु तो बिल्कुल ही सेवन नहीं करनी है, बैंगन बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, और ये चिपचिपाहट भरी जो सब्जियां हैं जैसे भिंडी हो गई है, कटहल हो गया है, अरबी हो गई है, इस टाइप की खाद्य वस्तु भी काम में नहीं लेनी है। ये अगर काम में लेते रहोगे जब तक आप बीमार हो तब तक बिल्कुल नहीं लेनी, और लेते रहोगे तो आपको मान के चलना आपकी व्याधि चर्म विकार बढ़ने वाले हैं, घटने वाले नहीं है, चाहे आप कितनी भी दवा खा लो और लगा लो। नमक और मिठाई ये तो आप या तो बिल्कुल ही कम कर दीजिए, ना के बराबर या बिल्कुल बंद कर दीजिए, तभी आप ठीक हो पाओगे चर्म विकारों से। तो आप उसी दिन चेक कर लेना, आप विपरीत आहार के भोजन सेवन करने के बाद में 2 से 3 घंटे के भीतर भीतर ही आपकी जो खाज खुजली है, दाद वाद है, वो और बढ़ने वाले हैं जबरदस्त ढंग से, तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये किसी भी हालत में शरीर के अंदर ठीक नहीं है, उससे बीमारी ठीक होगी ही नहीं। तो इस विपरीत आहार के भोजन को स्थायी रूप से जीवन भर के लिए बंद कर दीजिए, और ये ही सबसे ज्यादा खून खराबी के लिए बहुत बड़ा जो दोष उत्पन्न करते हैं विपरीत आहार का भोजन, इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, इसको तिलांजलि दे दीजिए हमेशा के लिए। पित्त बढ़ने के कारण भी दाद खाद खुजली की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो पित्त का कंट्रोल करना भी अति आवश्यक है। और हाँ, चर्म विकार के जो रोगी है उनको नाखून बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, क्योंकि नाखून के अंदर जो मैल भर जाता है वो मैल पोषण का काम करता है चर्म के बैक्टीरिया के लिए, इसलिए उसको बिल्कुल ना बढ़ने दें। मान लेते हैं आपको नाखून का बहुत ज्यादा शौक है और आपने पाल रखे हैं नाखूनों को लंबे समय से, तो आपको खाज अगर खाज कुचरनी है तो और किसी चीज से कुचर लीजिए, नाखूनों से मत कुचरिए। नाखूनों के अंदर जो मैल होता है वो पोषण का काम करता है, और उसे आप दवाइयां चाहे चर्म विकार की लिखा रहे हो, पी रहे हो, लगा रहे हो, फिर भी ठीक होने वाले नहीं हो, क्यों कि ये पोषण उधर बैक्टीरिया को मिलता रहेगा, दवाएं काम करेगी नहीं। साथ ही जब तक आपके चर्म विकार है उस समय आप ये बाजारू जो जितने भी स्नान के साबुन होते हैं इनका काम में लेने का बंद कर दीजिए, क्योंकि उसमें सारा सारा केमिकल होता है। फिर भी अगर साबुन के बिना आप रह नहीं पाते हो तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बहुत 100% शुद्धता वाले ले लीजिए, जैसे नीम का साबुन है वो ले लीजिए आप, और उसका भी मैं तो ये कहता हूँ कि कम मात्रा में ही उपयोग करिए, जितना कम करोगे साबुन का, क्योंकि उसमें भी सबके आजकल मिलावट थोड़ी बहुत आई जाती है। अधिकतर चर्म विकारियों को आप देख लेना, और हमने देखा है प्रैक्टिकल रूप से ऐसे रोगियों को कि वो सारे सारे एलोपैथ से ठीक होते ही नहीं है, अस्थायी समाधान मिल जाएगा क्योंकि वो बीमारी को दबा देते हैं। आपके खून खराबी जब तक ठीक नहीं होगी, टॉक्सिन्स शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे, हानिकारक जो तत्व है वो बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक स्थायी समाधान होगा नहीं। और ये आयुर्वेद के अंदर ही है जो 100% जड़ से बीमारी को निकालता है और साइड इफेक्ट नहीं करता है।
और एलोपैथ तो आप जानते हो एक बीमारी को दबा देता है और दूसरी बीमारियां और लेके आ जाता है, इसलिए आयुर्वेद का उपयोग कीजिए, इसका प्रचार प्रसार कीजिए। समझते हैं समाधान को, लगाने के लिए तो आप एलोवेरा का जो गुद्दा है वो निकाल दीजिए और उस गुद्दे को आप जेली मान लीजिए, ये जेली हो गई, और इसको आप सारी चर्म विकार की ग्रसित जगह पर इसको लगा दीजिए जहाँ जहाँ आपके चर्म विकार है, और 10-15 दिन लगा लीजिए, 20 दिनों के अंदर तो अच्छे से अच्छी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो चर्म विकार ठीक हो जाते हैं इस एलोवेरा जेल लगाने से। ये अगर आपके पास में व्यवस्था नहीं है मान लो एलोवेरा की, तो आप कोई बात नहीं, बाजार में 100% शुद्धता वाली जो एलोवेरा जेल मिलती है उसको आप लेके आ जाइए और लगा लीजिए। 2 गिलास पानी ले लीजिए, उसके अंदर 30 से 60 ग्राम की मात्रा में जौ ले लीजिए, उसमें उबाल दीजिए, और जब आधा शेष से 1 गिलास जब पानी बचे उस दौरान उसको छान कर गुनगुना रहे तब पी लीजिए भूखे पेट। ये प्रयोग आपको 15 से 20 दिन तक करना है, बहुत हो जाता है, आपके सारे शरीर के जो विषैले तत्व है टॉक्सिन्स है वो सब बाहर निकाल देता है जौ का पानी। दूसरी वस्तु खाने के तौर पर आप अंसारी की दुकान से या आयुर्वेदिक स्टोर पर जो अच्छी सी है वहाँ से आप हरड़े बेड़े आंवला लेके आ जाइए। हरड़े आपको 50 ग्राम लाना है, बेरेड़ा 100 ग्राम लेके आना है, और आंवला 150 ग्राम, ये लेके तीनों को अलग अलग बढ़िया कूट पीस के और तीनों को बढ़िया पाउडर बनाकर मिक्स कर दीजिए आपस में, और 1 चम्मच गर्म दूध या गर्म पानी के साथ में रात्रि को सोते समय पी के सो जाए। ये आपके पेट के अंदर जितने भी जो मल है, पुराना मल जमा हुआ है, स्थायी मल जमा हुआ है, जो टॉक्सिन्स जो हानिकारक विषैले तत्व वहाँ पेट के अंदर घुसे हुए, वो सारे सारा कोटा साफ हो जाएगा, कोटे की गर्मी खत्म हो जाएगा। इसको नियमित रूप से आप चालू रखें। आयुर्वेद के शास्त्रों में तो यहाँ तक हवाला है कि 30 साल से जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है वो जीवन भर अगर इसका उपयोग करता है तो आप स्थायी रूप से सेहत को सेहतमंद बना सकते हो, और इसके कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। और आपको ऐसा लगता है तो 4-6 महीना कंटिन्यू ले लीजिए, फिर 1-2 महीना बीच में गैप डाल दीजिए, फिर 4-6 महीना ले लीजिए, इस ढंग से चलाते रहिए जीवन भर, आपके शरीर का कोई भी अंग बीमारी से ग्रसित नहीं हो सकता, इतना बेहतरीन काम करता है ये त्रिफला। त्रिफला की मात्रा के तौर पर जितने आयु वर्ष का बच्चा बच्ची है व्यक्ति है उसको 0.12 ग्राम से गुणा कर दीजिए, जो मात्रा आती है आप नियमित रूप से सेवन करते रहिए, कोई भी किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं है इसका। चर्म विकार को रोकने के लिए, स्थायी समाधान के लिए एक काम आपको और करना पड़ेगा, नीम के जो 2 पत्ते ले लीजिए, या अगर नीम की कौंपले हैं और बारिश का मौसम है तो 8-10 कौंपले ले लीजिए, साथ में आपको नीम के पेड़ के ऊपर ही जो लगी हुई है गिलोई, जिसको नीम गिलोई बोलते हैं, नीम के ऊपर लगी हुई हो वो जबरदस्त गुणकारी होती है, वो आप लेके आ जाइए, 1 मीटर लेके आ जाइए, वो आपके 10-15 दिन चल जाएगी, और उसमें से वो पानी में डाल दीजिए ताकि वो खराब भी नहीं होगी 10-15 दिन तक, उसमें से आवश्यकता के अनुसार उसको आप 2-1 इंच का टुकड़ा काट दीजिए, उसको बढ़िया कूट पीस के, और 8 से 10 ग्राम उसमें से रस निकालना है उतनी मात्रा में आप गिलोई का, क्योंकि तना अगर जाड़ा है तो कम मात्रा में चल जाएगा, तना अगर पतला है तो स्वाभाविक तौर पर आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, अपने को 8 से 10 ग्राम की मात्रा में गिलोई का रस दिए वो ले लीजिए। 20 ग्राम एलोवेरा का जूस ले लीजिए, अगर गुद्दा वाला है तो वो ले लीजिए डायरेक्ट, नहीं है तो बाजार से मिलता है एलोवेरा का जूस वो मिला दीजिए। इन तीनों को बढ़िया मिक्स करके सुबह भूखा पेट, और ये जौ का पानी आप सेवन कर रहे हो तो सुबह जौ का पानी पहले लेना है और इसको आप खाने के 2 घंटे बाद में लेना शुरू कर दीजिए। जैसे ही 20 दिन जौ का पानी आपने ले लिया वो बंद कर दिया, उसके बाद में सुबह भूखे पेट इसको लेना है, एलोवेरा को, नीम गिलोय को, नीम के पत्तों को वाला जो है इन सबको आप पी लीजिए सुबह सुबह भूखा पेट। और ये भी मैं तो ये निवेदन करता हूँ 4 से 6 महीना कंटिन्यू पी लीजिए, फिर 2-1 महीना का गैप डाल दिया और फिर कंटिन्यू और पीते रहिए, इस ढंग से जीवन भर आपको ये भी पी सकते हो, और आवश्यकता नहीं है तो 2-4 महीना पी के फिर और देख लो आप। इससे आपके शरीर में ये जो दाद खाज खुजली चर्म विकार तो ठीक होंगे ही, इसके अलावा दुनिया भर के सेहत के फायदा आपको मिल जाएगा, सेहत मंद हो जाओगे, सेहत का खजाना आपको मिल जाएगा, इतने बेहतरीन इसमें गुण है, ये आपकी इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त बूस्ट कर देगा, परिकल्पना से परे है सर्दी जुकाम ये वो दुनिया भर की बीमारियों के लिए, बालों की समस्या है उसमें ये काम करता है, त्वचा की विकार है उसमें काम करता है, आपकी उम्र कम है और ज़्यादा बूढ़े लगने लग गए उसमें रुकावट आ जाती है, एंटी एजिंग की जबरदस्त इसमें गुण विद्यमान है, ऐसे नाना प्रकार के आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी से भरा पड़ा है ये नुस्खा। इन नुस्खों का उपयोग कर लीजिए जीवन भर, आपके 1 बार उपयोग करते ही 2 बार करते ही आप मान के चलना कि जीवन भर के लिए आपको वापस ये जो त्वचा विकार है निकट नहीं आएगा, इतना बेहतरीन है। जिन जिन लाखों लोगों ने इसका उपयोग किया सबको ये फायदे मिले, मैंने हजारों लोगों को दिया और एक भी बंदा वापस शिकायत करने ये नहीं आया कि मेरे को लाभ नहीं मिला, इतना बेहतरीन है ये। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आपके मन में भी अगर पीड़ा पैदा हुई हो और आपका दिल में मन मूड ये बन गया हो कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करूं, लोगों की भलाई करूं, घर घर तक आयुर्वेद को पहुंचाऊं, तो ये जानकारी आप वायरल कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, 1 लाइक मेरे लिए।